सत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और सत माने सौ में कितना, हाउ मैनी इन हंड्रेड माने अगर प्रतिशतता को देखा जाए तो ये सौ में कितना। जैसे आप पाते हैं आप अभी आपका अगर आपसे पूछा जाए ये हाई स्कूल में आपके कितने परसेंट थे तो आप बताएंगे, कोई 62 बताएगा, कोई 42 बताएगा, 42 कोई नहीं बताएगा, कोई 94 बताएगा आज के समय में, और कोई 68 बताएगा, कोई अलग अलग बताएंगे। अगर हम इंटरव्यू पूछते हैं भाई तो भी बताते नियर अबाउट इसके जिसका जितना होगा, लेकिन एक अंतर देखने को मिलता है कि आप अपने इंटरमीडिएट की कक्षा में 500 में से पढ़ांग का 500 होता है, हाई स्कूल में 600 होता है, ग्रेजुएशन में 1800 हो जाता है, लेकिन परसेंटेज वही रहता है। तो तात्पर्य यह है कि हम ये बताते 100 में कितना आपका है, 600 में कितना उससे माने नहीं रखता, डजंट मैटर आपका कि आप 600 में कितना पाए, 100 के पैमाने में आप कितना पाए, 600 में कितना पाए उससे कोई मतलब नहीं, आप 100 में कितना पाए, आप 500 में कितना पाए उससे कोई मतलब नहीं, 1800 में से 900 पाए उससे कोई मतलब नहीं, 100 में कितना पाए। तो हम किसी भी आंकड़े को जब 100 के पैमाने में रखकर मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है प्रति और सत माने 100 में कितना, 100 में कितना। और हर वस्तु, दो तीन बातें जान लीजिएगा, हर वस्तु अपने आप में शत प्रतिशत होती, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। इस मार्कर की लंबाई अपने आप में 100%, आप सबकी लंबाई अपने आप में 100%, आप सब जितना खाते हैं, कोई 5 किलो खाता हो, कोई 10 किलो, कोई 12 किलो, कोई 3 किलो, कोई 2 किलो, तो वो भी अपने आप में क्या है, 100%। आपकी जितनी इनकम है, इनकम का मतलब कोई 10,000 रुपया महीना कमाता होगा, कोई आपकी तरह प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक होकर 40,000 रुपया महीना कमाएगा, कोई मेरी तरह बेरोजगार 5,000 रुपया कमाएगा, ठीक। तो जितना जो कमाता है वो सब अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। अगर कोई महीने 3,000 कमा रहे तो भी अपने आप में 100%, कोई महीने 2 लाख कमा रहे तो भी अपने आप में, आप जिस घर में रहते हैं उस कमरे की लंबाई चौड़ाई अपने आप में 100%, वो भी अपने आप में, हर चीज अपने आप में, दुनिया की प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर आप किसी विद्यार्थी की 20 नंबर का टेस्ट ले रहे हैं तो कितना होगा अपने आप में 100%, अगर 20 में 12 पाया तब परसेंट में कितना पाएगा, 60%। वो पाया कितने, 20 में, लेकिन हमसे किस पैमाने तोलते हैं कि मानव पूर्णांक 100 है, क्योंकि गणित किस पे चलेगा, पूरा मानव चलेगा, ठीक। गणित के अगर शिक्षक बनेंगे तो बालकों को यह भला हमेशा सताए रहेगी, ये माना क्या होता है, यक्ष कहाँ से आ जाता है। ऐसे एक बार हमें बचपना याद है, उस समय कक्षा 7 में थे, एक बालक हमारे साथ था, पढ़ता था, तो उसमें कक्षा 7 की किताब में एक उम्र वाला क्वेश्चन होता था, तो वहाँ यक्ष मानते थे, वो परेशान हो गया, उसको यक्ष मान ही नहीं पाता बहुत दिन, एक दिन खड़ा हो गया बेचारा, इधर छुप दो, इधर परेशान हो गया, कहा सर यक्ष क्यों मानते हैं, हम यक्ष नहीं मानेंगे बताइए, कहा सर बिना यक्ष नहीं लिखा था, हमें गणित मत पढ़ाइए, का एक सुबह आ जाता है फिर गायब हो जाता है वो, आज तक गणित नहीं सीख, मैं उसे जानता हूँ, जब भी इसका नाम आता है उसका चेहरा अपने मेरे दिमाग में, वो पूरा उस समय की जो घटना घटी थी पूरा अपने आप याद आ जाता है। वो कहा कि गणित यक्ष नहीं मानेंगे, हमको गणित सिखाइए, पढ़ाई मत पढ़ाइए, लेकिन हमको यक्ष नहीं मानेंगे, आज तक लड़का गणित नहीं सीख पाया। तो गणित क्या है, माना पे चलता है। तो यह हमने इतना पढ़ लीजिए कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर कोई चीज का नाम छूट गया होगा वो भी मान लीजिएगा अपने आप में 100%, ठीक। अगर आपके घर में 5 लोग खाना बना रहे हैं तो अपने आप में ठीक, लेकिन अगर एक लोग आ गए अगर बढ़ा दिए 100 से ज्यादा, लेकिन जितना प्रतिदिन बनाते थे वो अपने आप में, जो काम आप जानते हैं जितना भी चीज, एक बस की लंबाई, बस की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। यह समझ लेंगे आधी गणित परसेंटेज की आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरा जो हम पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, इसको समझ लीजिएगा, हर वस्तु अपने आप में, अगर एक रोटी है अपने आप में तब आधा कर दिया तब 2 भाग में तो कितना कितना हो गया, 50-50%, फिर उसको 2 भाग कर दिया 25-25%, ठीक। तो कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100%। ये 520 क्या है अपने आप में, 100% है, कितना प्रतिशत, 520 कितना है, 100%, 1742 कुछ नहीं दिया तो अपने आप में 100%, कोई भी गिनती अगर कुछ नहीं दिया तो अपने आप में 100%।
कितना है 100%। इस बात को समझ लीजिएगा, कोई भी अगर पैमाना है, कोई भी मान दिया, यदि कुछ नहीं दिया तो अपने आप में 100%। ठीक, अब अगर इसको हमें निकालना होगा, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, तो कैसे, कुछ नहीं, हमने दशमलव भी पढ़ा, हमने भिन्न भी पढ़ा है, एक लड्डू इधर खा जाइए, एक लड्डू इधर खा जाइए, लड्डू नहीं खाते, एक एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए दोनों तरफ। ठीक, इसको समझिएगा, बच्चों भी बताएंगे कैसे पढ़ाना है, तो हो जाएगा 142 निकालना, 174.2 10%। अगर एक अंक पे दशमलव लगा दिए तो आपको कितना प्राप्त हो गया, अब 1% निकालना हुआ तब दो अंक पे लगा, एक अंक और खसका दीजिए, चार दो। ठीक, और अगर और आगे बढ़ना है, जितने परसेंट निकालना है, इतना मान, इतना चीज आप हमेशा समझेंगे, अब इसका भी उपयोग करेंगे, आप प्राथमिक कक्षा के अध्यापक बनने जा रहे हैं, इस बात को भी ध्यान देना हमें, हम जूनियर के या डिग्री कॉलेज के अध्यापक नहीं बनने जा रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, विधि पढ़ाएंगे मैडम लोग, विधि पढ़ाएंगी मैडम, मतलब दोनों मैडम लोग, ये आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण अन्वेषण जिसे ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, प्रयोगशाला विधि, वो सब बताएंगे तब और क्लियर हो जाएगा कि कैसे गणित आपको कक्षा में पढ़ानी है। ठीक, और कौन सी गणित, रेखागणित पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि क्या है, बीजगणित की उपयुक्त विधि क्या है, अंकगणित की उपयुक्त विधि क्या है, ठीक, उसका आपको इस्तेमाल भी करना होगा समय समय पर। अब बालक को सिखाना है परसेंटेज निकालना, तो बालक आपकी तरह हमारी इतना तेज नहीं है, कलर निकालेगा तुरंत कर लेगा, वो तो पहली बार परसेंटेज का नाम सुना, तो पहले उसके अंदर क्या लाएंगे, परसेंटेज को जानने की जिज्ञासा या इच्छा लाएंगे। ठीक, अब पूछते हैं किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु एक अध्याय पर अभी लास्ट में पढ़ाते हैं, उसे पहले पढ़ा देना चाहिए था, इकाइयों मापन आपके सिलेबस में है, इकाइयों मापन, तो यहां बता देना चाहिए था, तो अभी भी बता दे रहे हैं, एक क्विंटल में कितना किलो होता है, 100 किलो, एक क्विंटल में अगर आलू 700 रुपया प्रति क्विंटल हो तो 1 किलो कितने, 7 रुपए का, कितने का, कुछ मत करिए, 100 क्विंटल का कितना, 700 रुपया, 1 किलो का निकालना, कई जीरो कम किया आपने, तो उधर से 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, इधर से भी 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, ऐसे था ये 700 है, इधर से 2 अंक पे दशमलव, इधर 2 अंक पे दशमलव, 7 रुपया। अगर हम ये पूछे 700 का 1% क्या होगा, कितना, 700 का 1% 700 का 1% और 1500 का 1% 2 जीरो कम, केवल 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा बस, 1200 का 1% देखिए कैसे रटेंगे आप लोग बच्चों की तरह। ठीक, 1800 का 1% 2400 का 1% 4700 का 1% 3215 का 1% 3215 का 1% 32.1। सोचे रेस में लोग निकल जाएंगे लेकिन फंस गए, यही दिक्कत बच्चों के साथ होती है। ठीक, अब बालक कहेगा अभी तो 2 अंक में 0 लगाते थे, अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगेगा। 720 का 1% 720 का 1% 7.2। पहले जब संख्या बोली से मन में कुछ देर के लिए सोचिए और फिर सोच दशमलव लगाइए, कहते जाते सोचते तो अगला बोल देते हैं। ठीक, चलिए आप बताइए मानसी जी, 3800 का 1% हाँ, दिक्कत ये नहीं होती कि आप गलत बताए, दिक्कत ये होती जब किसी को टारगेट कर लेते हैं और सोचता हमसे लगता है कठिन ही पूछे। ठीक, 3800 में क्या लड्डू होता है, हाँ, तो उस 1% निकालने के लिए क्या लड्डू कम करना होगा, 3800 के 2 लड्डू खा जाइए, हाँ, 3800 के 2 लड्डू खा जाइए, कितना हो जाएगा, 38। अच्छा, एक बात और आप लोग जानते रहिए, गणित पढ़ते समय, गणित जब बालक को पहले पढ़ाया जाता है तो पहले मूर्त रूप से पढ़ाया जाता है, मूर्त जानते हैं, दिखा दिखा के पढ़ाया जाता है, जैसे 1 कलम + 1 कलम कितना हुआ, 2, गोली से जोड़ घटाना गुणा भाग बताया जाता है, बाद में मूर्त वस्तु को हटा लिया जाता है, अमूर्त से पढ़ाया जाता है, बाद में अमूर्त को भी हटाया जाता है, क्या शेष बचता है, ज्ञान, जिसे कहते हैं गणितीय ज्ञान, जो आपके पास शेष बचा हुआ है, जो आपके पास शेष बचा हुआ है, आज भी बचा हुआ है। तो 1% निकालना लगभग सबको आ गया कि नहीं, अभी किसी को समस्या पूछ ले, सुरजीत जी आप बताइए,
1500 का 1%, आप बताइए भैया 1800 का 1%, आप बताइए 1400 का 1%, आप बताइए 75 का 1%, हाँ सही बता आपने, 0.75 दो अंक पे 10 लगा देना है बस। आपको लगा सरल है पूछे तो सरल खींचे रहेंगे, आपको बस ये जानना है कि दो अंक पे 10 लगाना है 1% आपको प्राप्त हो जाएगा, और यही बालक को रटाना है, यही आपको पूरे बालक को रटा देना है, और घर पे जाके पूछेगा पापा चाहे जितने पूछे हम 1% बता देंगे, मम्मी चाहे जितने पूछे हम 1% बता देंगे। बालक बड़े उत्सुक होते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ना, तो उसको पहले ही बना के चाहे जैसे खेलने का प्रयास करते हैं। ठीक है चलिए आप बताइएगा 18 का 1%, हाँ 18 का 1%, 0.118, ठीक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सालू जी ये बताइएगा 1400 का 2%, 0.0014, आप बताइएगा 28, अरे 1% 14 2%, अभी मैं बताऊंगा पूरा परसेंट आप बिना पेन से निकालेंगे, खाली 15 क्लास और चले दीजिए बस, अरे 1% 14 2%, ठीक समझ में आ रहा है, आप बताइएगा 85 का 2%, एक परसेंट कितना होगा 0.85, कुछ नहीं आता गुणे दो ही कर दीजिए, ठीक तो कितना आएगा 1.70, 1.70, 1.7, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया। चलिए अब आते हैं 10%, पहले पढ़ते हैं 10% कैसे निकालते हैं, आप ही बताइएगा 700 का 10%, अगर 700 रुपया कुंटल आलू है तो 10 किलो कितने का होगा बताइए, 10 किलो निकालना माने 1 लड्डू कम करना है, जब 1 लड्डू कम करेंगे कितना हो जाएगा, 10 किलो कितने का होगा, 1 अंक पर 10 लगाएंगे कितना निकलेगा 10 किलो का दाम या 10%, समझ में आ रहा है। चलिए आप बताइएगा 1420 का 10%, 1420 का 10%, 142, ठीक। चलिए पीछे क्या नाम है आपका, 2800 का 10%, 1420 का 1% पूछा तुमने, हाँ आप बताइए 10% पूछे तुमने, हाँ बताइए जल्दी से 2800 का 10%, अरे 1 लड्डू खा दिए, 10% माने 1 लड्डू, 1% माने 100 2 लड्डू, ये याद रट्टा मार दीजिए 280 हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब जिससे जिससे पूछेंगे वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा, ठीक। चलिए दीक्षा जी पहले आप बताइए 1800 का 12%, बिना पेन उठाए, अरे पहले 10% कितना होगा, 180 और 2% 36, 180 36 216, अरे पूरा परसेंटेज हम निकाल देंगे बिना पेन उठाए, अभी देखते रहिएगा, लेकिन बस पेन नहीं उठाना है, पेन उठा लिए तो कहानी खत्म हो गई, तो मतलब ही क्या निकला, ठीक। चलिए मानसी जी आप बताइए 1800 का 50%, 50% माने आधा, आधा माने 1/2, गणित की भाषा में 1800 का 50%, 900, 25% उसका भी आधा, ठीक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका, हाँ पवन जी बताइए 450 का 5%, 45 10% होता है, 10% हुआ उसका भी आधा करिए, अभी 22.5 से 1/2, अब क्या किया 5% निकालने के लिए काला वाला नहीं खींचा आपने, कुछ नहीं किया, पहले उसका 10% निकाल लीजिए, देखिए अब क्या करना है, उसे इसका यूज करना है ना, रखिए मत सब, तो 10% कितना हुआ, 450 का 10%, 45 हो गया, और उसका आधा कर देंगे तो 5%, तो 45 का था 5.5, सुरजीत जी 720 का 7%,
7%, हाँ 7, SEVEN. अरे पहले उसका निकालिए 10%, 720 का 72, ठीक 5% निकालेंगे कितना आएगा 36 आएगा ना। अब उसमें 2% और जोड़ दीजिए तो 3.6 होगा 1%, दो बार गुणा करिए कितना हो जाएगा 36 × 72 माने 7.2 और 36 कितना हुआ। नहीं अभी बड़े बड़े आएंगे तो आप लोग एकदम आसान लगेगा, अभी थोड़ा टफ लग रहा है ना, अभी तुरंत बताएंगे एक लाइन में, मतलब जितने आप पलंग पेन उठाएंगे उतने उसका आंसर बताएंगे, अभी आप सीख लेंगे, ऐसा थोड़ी ना एक ही दिन में सीख लेंगे, बालक को रटाते रहेंगे 2-3 दिन तक वो पूरा परसेंटेज निकालना रट जाएगा, तब उसको कापी कलम बताना शुरू करेंगे। अभी कापी कलम उठाए नहीं है, अब उठा लेंगे तो हर क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेंगे, अभी पेन नहीं उठाना है, अभी बस यही जानना है कि बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। अच्छा अगर अब पेन उठाने की जरूरत पड़ जाती तब क्या बालक को सिखाते, देखिए ये कंडीशन हो गया ना, अब कुछ लोग कहते हैं पेन उठाना चाहिए था, ये तो उससे ज्यादा समय लगता है, तो पेन उठाने के लिए क्या किया आपने, सबसे पहले आपने क्या किया, पहले आप सोचे थे 1% निकाल के 7 से गुणा कर दे 7% आ जाए, 1% कितना होगा 720 का 7.2 गुणे बस तुरंत आ जाएगा। अब बालक अपने आप ये ट्रिक आपको बताएगा, ये बालक क्या करेगा, ये आपको तरीका बताएगा, ये ट्रिक बताएगा, आपसे बाद में पूछेंगे कैसे संश्लेषण विधि कहते हैं विश्लेषण विधि कहते हैं, ठीक अभी बस इतना जानिएगा कि बालक आपको क्या बताएगा तरीका, सर इतना घूमने से अच्छा हम 1% निकाल के 7 का गुणा कर दे, 15% निकाल लेंगे 15 गुणा कर दे, 20% निकालना है तो 20 का ठीक 2800 का 26%, सोचिए जी आप 26% तुरंत लग जाएगा, 700 का 50%, अच्छा तो कितना बचा 2800 ना, 2800 का 50%, 1400 का आधा 725%, 26% जोड़ दीजिए उसमें 2800, 728। ऐसे आप क्या पता है आप मेंटली रूप से प्रिपेयर होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और गणित के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी और कापी कलम लगवा देंगे आपकी जिज्ञासा कम हो जाएगी, इसलिए बालक को जिज्ञासा बनाना है 2005 के अनुसार। पढ़ाना सबको ऐसा पढ़ाते हैं लेकिन अब वही है, अगर कापी कलम से समझाएंगे जिन बालक को समझ में नहीं आएगा वैसे रह जाएंगे इस तरह से, इसलिए गणित गणित विषय कैसा है कि अगर जिसका गणित स्ट्रांग होता है उसका सभी सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए और उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, क्यों, क्योंकि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी अन्य किसी विषय में इतिहास है रट्टा मारे जो लिखा उसी को पढ़ के याद करके परीक्षा दीजिए, ऐसा नहीं है कुछ उसमें दिमाग लगाना, भूगोल है रट्टा मारिए, साइंस है रट्टा मारे, मेडिकल बोले कहानी खत्म, लेकिन यह एक ऐसा विषय जिंदगी में जब भी पढ़ेंगे, अभी सब्जी लेने जाएंगे ना तो दाम जोड़ेंगे इसका यूज करेंगे, कपड़ा ले जाएंगे इसका, मतलब गणित एक ऐसा विषय जिसको मांझता है भाई, कोई विषय जिसको मांझता नहीं और इसको जितने मांझेंगे उतने चमके, ठीक। और ये साथ बालक के साथ भी होती है, बालक के आत्मविश्वास को आपको बढ़ाना है कैसे, गणित पढ़ा के वो गणित के प्रति इतना जिज्ञासु हो जाए कि कहेगा सर जब भी पूछे क्या पढ़ना है कहेगा गणित पढ़ना है, ये आपके ऊपर है कि कैसे आप उसको गणित पढ़ाते हैं, ठीक आगे बढ़ा जाए। हाँ चलिए 1900 का 45%, हाँ तुरंत बताइएगा 19, इतना लंबा करें झंझट के, तो मैं 3-4 तरीका लगाइए, 19 का पहाड़ा आता है तो 1% कितना होगा उसका 19 और 5% 5%, अरे 19 गुणे 5 पहाड़ा पढ़ लीजिए आप लोग, अभी एक बात और बताएंगे गणित की बात में, हाँ 95 हो गया 5%, तो पहले उसका निकाल दीजिए 50%, 1900 का 50%, अरे 1900 का 50%, 1800 था 900 कह देते 1900, 950, 950 95 जोड़ दीजिए 1045, 1000 और गलती 46% का होता तो 1% और जोड़ दीजिए, इस तरह से जब जोड़ने घटाने से वो आत्ममनन करेगा बालक, और इस कंडीशन में क्या होगा जो मंद बुद्धि का बालक होगा वो क्या करेगा अपने आप से कापी कलम से लगाने का, और जब कापी कलम से लगाने का प्रयास किया आप गणित के सबसे अच्छे टीचर हो गए, जब वह प्रयास करने लगा जब वो कोशिश करने लगा इसका मतलब अपने सबसे बेहतर पढ़ाए,
जब देख रहे सारे बच्चे बता रहे उसके अंदर सुखता है, मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, तो उधार देखेंगे तुरंत कलम से नाप कापी से उसको कहना नहीं पड़ेगा, तुम क्वेश्चन लगाओ, वो खुद लगाएगा और प्रयास करे इस बार हमसे पूछे हम बताए। जब प्रश्न आता है तो क्या होता है, इस बार हमसे पूछे हम बताए, अरे कठिन आता इधर ना है पानी पानी ये होता है ना, ये सभी बालकों के अंदर। तो हमें परसेंटेज पढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान देना कि कैसे हमें निकालना है, और यह प्रयास तब तक करना है जब तक आपकी कक्षा का पूरी तरह से पूरे बालक परसेंटेज को मनन कर लेना शुरू कर दे, क्योंकि सीटेट में जो प्रश्न आएगा एकदम ऐसे बेसिक आएगा और आया भी है, ये मत सोचिएगा परसेंटेज से बड़े बड़े क्वेश्चन पहाड़ जैसे आएंगे, और जमीनी स्तर पर आएगा, जमीनी स्तर से आपको लगाना भी है और बताना भी है। ठीक समझ में आया। अब बताइए परसेंटेज निकालने का तरीका बताइए, आप बताइएगा अगर बच्चों को पढ़ाना होता कैसे लगेगा, कोई सूत्र बताओ, सूत्र कैसे बनेगा, आप विश्वास नहीं करेंगे इस तरह से गणित पढ़ा देंगे आप परसेंटेज, तो कोई ना कोई बालक जरूर बता देगा किसका सूत्र क्या होगा बिना पढ़े, जो बाद में अगर वही 50 साल पहले पैदा होता क्या कहलाता, श्रीधराचार्य कहलाता। ठीक, लेकिन बेचारा पैदा हो गया आपकी कक्षा में, कोई तो बताए इसमें से कोई बता दीजिएगा, इज्जत रख लीजिएगा पूरी क्लास की बात रखें, तो कोई बालक ऐसा होगा पहले क्या लिखेंगे, जैसे हमें निकालना है 1400 का 5%, तो क्या करेंगे, हाँ पहले 1400 लिखेंगे फिर गुड़े 14% करा, 5% 5 बटा, ये कोई ना कोई बताएगा। ठीक, अब नीचे लिखिएगा ये डालेगा प्रतिशत, क्या कब से भूमिका बता रहे थे, प्रतिशत, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिधन शब्द, यह दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिधन, या प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिधन सत, जिसका मतलब होता है 100 में कितना, प्रति माने कितना, 100 माने सत माने 100, माने 100 में कितना, प्रतिशत को चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, सिंगल डॉट कॉमा में, परसेंटेज का चिन्ह जानते ही है ना, हम तो भूल गए हैं, हाँ, कि चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं जिस पद के दाईं तक प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है, प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है, प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है, उसका हर या उस पद का हर सदैव 100 होता है, सदैव 100 होता है, ऑलवेज डिनोमिनेटर इज 100, सदैव 100 होता है। ठीक, जैसे अगर दे दिया यक्स प्रतिशत, इसका मतलब क्या होगा, यक्स बटा क परसेंट, क बटा सब, अब ये भी जानते होंगे लॉजिक, अभी मैडम पढ़ेंगे या तो आप लोग खुद जानते होंगे, जब बच्चों को क पढ़ाते हैं क्यों कहते हैं क से कबूतर, फिर ये भी पढ़ाते हैं कबूतर करता बूटर, क्यों क नहीं पढ़ा, जो चीजें आपने कक्षा 1 से लेकर 5 तक सीखी थी वो आज तक नहीं भूली है, चाहे गिनती हो चाहे जितना तक पहाड़ा 5 तक आता, 19 की बात नहीं कर रहा, अगर जिसको 19 तक आता नहीं आता आज भी इसको दिक्कत है। ठीक है ना, हिंदी पढ़ना अंग्रेजी पढ़ना जो समय के पोयम याद थे आज तक नहीं भूले कविता, उसके बाद कक्षा 6 से लेकर आज आप 15 माने ग्रेजुएशन प्लस 2 माने बीटीसी बीएड एमएड बीएड प्लस जो भी हो। ठीक, आज जितना चीजें पढ़े में पूछ लिए कि बीएड थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में सेकेंड विषय का सेकेंड पेपर का नाम क्या था, बोल
ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय जो शिक्षा होती है पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक पद्धति पर होती है। उसके बाद लोग अपने आप को ही बोले जाते हैं कि आप बालक बनाएंगे, तब क्या कहते हैं कि इसका उत्तर यहां से लेके यहां तक का है, निशान लगा लो। 6, 7, 8, 10, 11, 12 बालक क्या करते हैं, अगर इतिहास पढ़ना है चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, तो इस प्रश्न नंबर 3 पेंसिल लिखेगा, यहां से लेके यहां तक उत्तर है इसका, या तो कॉपी मांग के कॉपी पूरा करता है बस। और यहां तक ही असली पढ़ाई होती है, इसलिए आप यहाँ के अध्यापक बनने जा रहे हैं और किसी देश का भविष्य आपके हाथों में मिलने जा रहा है। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ाना कैसे है, क्योंकि आप अपने आप को सोच लीजिएगा आपको वही चीजें याद है। अगर आपको 9 तक का पढ़ा याद है तो आज तक 9 का 6 के बाद इतना याद के भुला गए, जो चीजें आपने 6 के बाद पढ़ी है वो सारी चीजें भूल गए, लेकिन 5 के पहले 1 से लेकर 5 तक जो चीजें पढ़े आपने आज तक याद है। और क से ज्ञातक लिखने के लिए कहा जाए तो फिर आप इसी क से कबूतर इस्तेमाल करेंगे तब ज्ञातक लिख पाएंगे, और अगर क ख करना हो तो गड़बड़ जरूर होगा, क्योंकि 50 बच्चों की संख्या में एकाध दो गड़बड़ जरूर करेंगे। कारण क्या है, फिर आपको वही याद हो म से मछली, तब भाई आप सही लिख पाएंगे। यही है मनोवैज्ञानिक तरीका। ये मैडम आएंगे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन देखते कौन पहले पढ़ाता है। ठीक, तो ये हो गया क माने क परसेंट। मैंने इसलिए लिख दिया कि कुछ शरारती बालक थे, जैसे हमें याद आ गया का यक्ष ही क्यों मानते हैं बार बार, वही मान लीजिए ए मान लीजिए, इसलिए हमने क भी मान लिया। क परसेंट बराबर क बटे 100। अगर कह दिया 5% तो आप बताइएगा इसका मतलब। हाँ, अरे किसी डायरेक्ट मुझे पहले घबरा जाता है, हमें ये हो गया 5/100। बस मेरा कहने का तत्पर्य इतना था कि किसी भी पद या अक्षर के दाएं तरफ यदि परसेंटेज का चिन्ह लग जाता है तो उसका हर सदैव 100 होता है। बस क्लियर हुआ, आगे डालिएगा एक लाइन जो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, नंबर डालिएगा डाट लिखिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें सदैव 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं, अथवा अथवा उसका हर सदैव 100 लिखते हैं। सदैव 100 लिखते हैं, जैसे कोई परसेंट बोले 40%। अगर 40% को भिन्न में बदलो, देखते रहिए यही बेसिक है, पूरी परसेंटेज आप सीख लेंगे। 40% को भिन्न में बदलना होगा, इसके दो रीजन पड़े। पहला हमने क्या देखा, उसका सदैव 100 हो जाएगा, परसेंटेज आते। दूसरा क्या लिखा, 100 से भाग, भाग देना मैंने बटे भी करना, ये 40 बटा ये 100, दोनों चीज लिखा, 100 से भाग देते हैं अथवा उसका हर सदैव 100, डिनोमिनेटर उसका सदैव 100 लिखते हैं। अब ये बन गया भिन्न, हमने भिन्न भी पढ़ लिया P/Q, इसको लिखेंगे सरलतम रूप में, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां भी लड्डू यहां भी लड्डू, जब दोनों तरफ लड्डू हुआ तो चाकू से दोनों लड्डू लाए, आप चाकू नहीं लाए, देखिए ये लड्डू खत्म ये लड्डू खत्म, क्या बचा आपका 4/100। अभी भी न्यूनतम रूप होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, फिर 2 से कटेगा ये 5, ये हो जाएगा 2/100। तो अगर हम 40% को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2/5, मतलब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सदैव 100 से भाग देते हैं अथवा उसका हर सदैव 100 लिखते हैं। उसके बाद भिन्न बन गया तो भाई उसको सरलतम रूप में लिखना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। सोचिए जी, समझ में आ रहा, ये बेसिक गणित है सीटेट की। अभी 5-10% की बात आई थी, 10% इसको भी भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 10/100 इसका लड्डू से कट गया, ठीक, क्योंकि दोनों का लड्डू काटेंगे। कभी याद रखिएगा, अगर ऐसा दे दिया 101/100 तो ये मत कहिएगा सर के लड्डू लड्डू काटे इसका लड्डू इससे उड़ा दिया 11/10, ये नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बालक गलती कर सकते हैं कोई ना कोई, लड्डू लड्डू उड़ाना उसके दिमाग में बैठ गया, लड्डू लड्डू करता है बस,
उस उम्र में दिमाग में बैठना है और एक बार बैठ गया फिर निकलेगा नहीं, बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और गणित के लिए अभ्यास जरूरी है, ये प्रश्न पूछेंगे सीटेट का, अभी इसी बता रहे हैं ना, अभी इसी प्रश्न बनाते चलेंगे शिक्षण का भी। ये हो गया कितना, एक बट्टे, थोड़ा टफ करें भी सरल चल लेते, जैसे 5% निकालना है, अभी बजा रहे चिंता ना करें, धीरे धीरे बढ़ते रहिए। 5% निकालना है तब कितना हो जाएगा, 5/100, समझ में आ रहा है ना, फिर इसको लिखेंगे, चाकू से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, लड्डू चढ़ा देंगे जो बचा हुआ है, 1/20। ऐसा चलो मतलब आगे चिंता ना करिए, लेकिन एक स्टेप चल रहा है, अगर ये कथा खत्म हो गई हो तो और आगे बढ़े, दूसरी कथा शुरू करें, समझ में आया, ये समझ में आ गया कैसे बदलना है, आगे समझ में, आप बताइएगा, अल सर लगाइएगा सर, 5/2% क्यों नहीं हो सकता, आपको टारगेट की ये मत समझिए खाली, अभी मेरा प्रश्न अभी से ये नहीं कि एक ही लोग से मेरा प्रश्न है, हाँ अच्छा, इसको क्या करेंगे, 5/2 पूरे का बटा, मैंने आपको भिन्न में पढ़ाया था, या तो इसको उठा के नीचे पटक दीजिए या इसका बटा 1 लिख दीजिए, फिर क्या होगा, 5/2 नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, 1/5 × 5, 5 से काटेंगे कितना होगा, तो ऊपर बचा 1, भिन्न गुणा हमने पढ़ लिया है, 2 × 20, 1/40, तो ये परसेंटेज कैसे बदल गया, भिन्न, समझ में, चलिए फिर देखिए, ये है 5/2%, इसको लिख सकते हैं 5/2 पूरे का बट्टा 100 लिखेंगे, ठीक, ये अगर हर किसी पूरे बट्टे का अगर यहाँ पे हर इसका तो उठा के चलाए कहा नीचे, अथवा इसका बट्टा 1 लिख सकते हैं, इसका बट्टा कुछ नहीं दिया हो, लिखेंगे 5/2 पूरे बट्टा 100 पूरे बट्टा 1, तो यह अंश जो होता है ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 5/2, इसका मतलब इसमें इसका भाग देना, मतलब 5/2 / 100/1, फिर इसको भिन्न नियम फॉलो करेंगे, ये भाग बनेगा गुणे में, ये हो जाएगा 5/2 × 1/100, दाएं तरफ वाला जो भाग से गुणा बदलता है अंश हर में और हर अंश से पलट जाता है। अब चाकू निकालेंगे, सेब काटने वाला, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, लड्डू चढ़ा देंगे, 1/2 × 20, 1/40, ठीक, क्योंकि इतना लंबा पढ़ा रहे हैं क्योंकि बालक को पढ़ा रहा है, अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं आएगा पूछ लेगा, शर्माइएगा नहीं कि जाने दीजिए लोग क्या कहेंगे कि नहीं आया, 10 बार पूछिएगा, क्योंकि हम पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, अभी आप पूछेंगे तो बेइज्जती नहीं होगी, हम पूछेंगे तो नाम लेकर पूछेंगे और पूरे लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगा, जवाब देखिएगा ध्यान देगा तो हमें पूछा गया प्रश्न था, आज 4 साल बाद 5 साल बाद जब किसी को बताना होगा सीटेट कोचिंग कहाँ करना है तो फिर आप देखिएगा, फिर आपको याद आएगा, यहीं पे पोजीशन इसी पॉइंट पे, इतना बच के इतना टाइम पर ही वीडियो पहुंचा था, तभी यह पूछा गया था प्रश्न, ठीक। सुजीत जी ध्यान दीजिएगा, 16 सही 2/ अच्छा रुकिए एक बात, इसको पहले 60 में कर दें, ये तो लॉन्ग मेथड था ना, पहले तो 60 में कर दें, कितना बड़ा लगाएंगे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, पेजो खत्म हो जाएगा, हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, सेव ट्री मतलब सेव पेज माने सेव ट्री, ठीक। तो जैसे ये था 5/2, ठीक, इसको हमने क्या लिखा, 5/2 पूरे का बट्टा 2 को पड़क दीजिए नीचे, ठीक, जब इसका पूरे का बट्टा दिया उसको पड़क दीजिए नीचे, नीचे होता तो उठा ले जाते ऊपर, लिखेंगे 5 नीचे लिखेंगे 2 × 100, 5 × 5 = 20, 20 × 40, 1/40, और जब भी हम समझाया करें बताया करें तुरंत लिखते हुए अपने आप से, अगर आपको लगे चला करिए, हम अलग से नहीं कहेंगे आप लिखिए, आपको जो जरूरत लगे अपने हिसाब से इसको छापते चलेगा, एक छापना होता है लिखना होता है, दोनों में अंतर मानसी जी बताएं क्या होता है, छापना किसे कहते हैं लिखना किसे कहते लिखना होता है कि आप समझ समझ के, छापना मतलब देख के छाप लिए, बाद में परीक्षा खत्म वही कबाड़ी पे भेज दिए, कहा 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो रद्दी के
लेकिन समझना है वो हमेशा के लिए उसको रखे रहेंगे, आपका नोट्स हो जाता है। अच्छा अपना मैंने दे दिया, बांट दिया, ये हुआ। चलिए अब बताइए 16 सही 2/3% को भिन्न में बदले। अच्छा पहले लगा के तैयार थे आप? अच्छा लिख लिया। तो पहले इसे कौन सी भिन्न कहते हैं मानसी जी? इसे कौन सी भिन्न कहते? अगर परसेंटेज ना होता इस भिन्न का नामकरण क्या था? कुछ नाम होगा, संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक, इसे भिन्न बदलने के लिए पहले इसमें गुणा करेंगे, 16 3 48 दुई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50/3%। अब जिस पद या अक्षर के दाईं तरफ परसेंट का चिन्ह लग जाए उसका हर सदैव 5 लिखते हैं, 100 लिखते हैं। अच्छा ये 50/3 पूरे का बटा, ये लोग भी सोचेंगे कि उनको खुद ही नहीं आता, 100 को 5 ही बोल रहे हैं ना। ये 50/3 इसका मतलब बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसा बोला जाता है, याद रखिएगा कि कितने बालक का ध्यान आपकी तरफ है और कितने बालक को समझ में आ गया। जिसको समझ में आ जाता है वो एक स्टेप आगे सोचता है, याद रखिएगा थोड़ी जैसे यहाँ लिखिए वो अपने मन में 0 काट लिया होगा। ठीक, इसको नहीं समझ में आएगा देखिएगा आगे क्या बताएंगे, याद रखिएगा हमेशा। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं इसका यूज करिएगा गणित में। ये लड्डू से लड्डू कट गया, ये 5 1 का 5, 5 2 9 यहाँ बचा 3, बचा ये 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/6। सुरजीत जी सही बात है, सदैव एक स्टेप आगे चलेंगे, समझ में आ रहा है तो कि बालक का दिमाग ही ऐसा है। अभी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, मैडम पढ़ाएंगे बुद्धि और व्यक्तित्व है ना सिलेबस में। अच्छा हुआ हम भी सीटें टूट देते हैं इसलिए हमको ये सब 2 से याद रहता, और ना हम कहा जानते ये सब कहा होता है, और गणित वालों की तरह होते सीटें ढूंढने की तरह आते गणित पढ़ा चले जाते, जैसे शब्दों का प्रयोग ही ना करते। बुद्धि क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, बुद्धि और व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है, विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर होता है कुछ अंतर। आगे बढ़े, अब लोग विश्राम करने लगते हैं, मतलब इसे वही है दौड़ा रेस में थोड़ा मिला तो बैठ पहले सस्ता लेंगे, हाँफने लगते हैं। चलिए जिससे पूछेंगे भाई इसको तुरंत लगा के बताएगा। 66 सही 2/3% को भिन्न में बदले। हाँ 2/3 बता रहे हैं। अरे पहले इसको गुणा करेंगे, 66 × 3 करेंगे तो पीछे मत करिए, गुणा कैसे करते थे गुणा करना सीख लीजिए। 66 × 3 करना है तो पहले 60 × 3 करेंगे, 6 3 18 180 फिर 6 3 18 180 और 18 198 प्लस 2 कितना हो गया 190, 200 पूरा 200/3%। फिर 200/3/100 फिर आ गया 200/3 × 2 लड्डू खत्म, बचा क्या 2/3। ठीक, हमें उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं आपको गणित समझ में आ गई, उम्मीद ही कर सकते हैं कि इससे सरल तो नहीं पढ़ाया जा सकता। आ गया सुना गया। चलिए इसी को साफ कर देते हैं, ठीक है, तो फिर एक आध लाइन पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क मतलब गृह कार्य, अच्छा इसको हिंदी बता दें। अच्छा किसी भी बालक के व्यक्तित्व विकास, किसी भी बालक के गणित, एक गणित के अध्यापक होने नाते बालकों को आप होमवर्क क्यों देते हैं आप बताइएगा। क्या नाम है आपका? जी पंकज जी बताएं। हम देखिए नाम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ये इसको बुलक्कर आदमी कहते हैं, और इसको क्या आपकी भाषा में बाल विकास भाषा में मंद बुद्धि बालक कहते हैं। कि आप एक गणित के अध्यापक होने नाते बालकों को होमवर्क देंगे, होमवर्क क्यों देते हैं? क्या रिवीजन करने से ज्ञान बढ़ जाता है? एक सीटेट का इनका प्रश्न तैयार कर सबने सुन लिया, तो सीटेट का प्रश्न पूछा गया है कि यदि आप एक गणित के अध्यापक है और प्रत्येक माह के अंत में या मासिक टेस्ट का आयोजन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है आपका? बच्चों को फेल करना, बच्चों को पास करना, बच्चों को दंडित करना, जो आपने बताया। क्या बताया दिया आपने? अभ्यास के लिए।
ठीक, तो सीटेड ये प्रश्न आपका हवी और तैयार हो गया, साथ में शिक्षण का भी एक प्रश्न आपने तैयार कर लिया। चलिए अब अभी हम लोग कुछ देर पहले कुछ बात कर रहे थे, शुरुआत में जब आए थे आपसे बात कर रहे थे प्रश्नों को लेके, हम पूछे थे कि 2800 का 45% कितना होगा, इसे पूछ रहे थे, हम पूछे थे क्या कुछ। तो अभी कुछ देर पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था, तो हमने कुछ बच्चे क्लास के क्या होते हैं, शरारती होते हैं, तो कभी कभी आप उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं, बदमाश कहते हैं, बदमाश कहते हैं, ये बहुत बदमाश होते हैं। और जो बदमाश होते हैं वास्तव में भी आप देखेंगे वही सबसे ज्यादा वही पढ़ने में टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है। तो एक नियम हम लोगों ने पढ़ा था, ये बदमाश का मतलब क्या पता आपको, ये पता नहीं क्या, हाँ डब्बा मतलब ब्रैकेट ना, ब्रैकेट ये है ऑफ, जैसे बटन ऑफ करना है ना, बटन बच्चे बनाते हैं थोड़ा बात अप डाउन अप डाउन करते हैं ना, इसका मतलब होता है बुरा, ऑफ डिवीजन नहीं बुरा होता है, अच्छा डी माने डिवीजन, फिर ये स्टार बना समझिएगा इस बुढ़े का, फिर क्या है मल्टीप्लाई, अच्छा ये चिन्ह है, ये सरलीकरण का सॉल्व करने का तरीका सीरियल से चढ़ना है। तो ये आप माने, ये इंग्लिश मीडियम अगर आपका कहा, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम विद्यालय आपको मिलेगा तब वहाँ पढ़ाएंगे, और गलती से प्राथमिक विद्यालय अगर हिंदी मीडियम वाला मिले कोई गाँव का तो कहाँ पढ़ाएंगे, का को पहले काट दे ता करिएगा भाग, गुड़ा करे धन जोड़ दो, अंत में लियो, यही बोलते हैं ना, कहेंगे इसका प्रयोग परसेंटेज का ही कर रहे हैं, हम लोग का ही दिमाग खराब कर रहे हैं। सही बात, हमने आपसे बोला था कि 2800 का 45%, ठीक, तो बालक को बताएंगे 2800 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ये काम आने 45% इसका मतलब, बाकी अब क्या करना, चाकू से काट देना है, ई लेट डू, ई लेट डू, सी लेट डू, ई लेट डू से, तो कितना बच्चा 28×45 जो आएगा वही उत्तर होगा इसका। अब कितना परसेंट बोलेंगे वो लगा भी लेगा, क्यों, क्योंकि उसको रखना आ गया, क्योंकि शब्दों को तोड़ दीजिए गणित साल, इसका का मतलब गुड़ा और इसका मतलब इसका, हर क्या लिखेंगे सदैव शब्द की, इसी को सॉल्व करना था, जो भी आएगा भैया आप लोग तेज आदमी है, आप लोग बता देते कितना आएगा, हमको क्या पता कितना आएगा, कहावत सुने होंगे आप लोगों ने, आदि के समाज बंदर क्या जाने, वही हाल है हमारे साथ, इसलिए आप हंसते हंसते पढ़े, आपको लगे ना कि आपने भी 45 मिनट क्लासेस पढ़ ली, ये भी एक अच्छा का रूल होता है पढ़ाने का, शिक्षण विधि केवल पढ़ने के लिए नहीं होती, उसका इस्तेमाल करने के लिए होती। अब कहते हैं ना कि आप जो अध्यापक बनकर जाएंगे वास्तव बहुत बढ़िया पढ़ाते प्रारंभिक, इसलिए कि BTC BEd 2 वर्ष प्रशिक्षण में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन असली बालिका टेट सीटेट और सुपर टेट में रट्टा मार लेते हैं, इसका फर्क आपको कहाँ मिलेगा, और कुछ टीचर ऐसे मिल जाए पढ़ाने वाले जो इस स्तर से मजे हुए हो तो आपको बेहतर अध्यापक बना ही देंगे, और जब तक अपने आप में अध्यापक फील नहीं करेंगे सीटेट पास नहीं हो पाएंगे, याद रखिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बदुआ नहीं देना चाहिए, लेकिन अध्यापक फील करिए भैया, आपने इंटर्नशिप किया है, अध्यापक फील किया तब इंटर्नशिप किए हैं, कक्षा में पहुंचते थे बच्चे 100 में चलाते थे, गुड मॉर्निंग सर, बड़ी तेज चलाते हैं गुड मॉर्निंग मैम, तो फील किया था, फील करिए, यहाँ फील कर लिए सीटेड पास होने से कोई नहीं रो सकता, ठीक, समझ आ रहा है, बाकी कहानी कल, क्योंकि इसमें भी इसी को इसको एक शब्द पकड़ लिए, इस शब्द को भी डिफाइन करेंगे, ये बालक को पहले थोड़ा सा देते हैं आगमन विधि का प्रयोग करेंगे पहले सर, हाँ फिर थोड़ा 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 बढ़ाते जाएंगे, मतलब धीरे धीरे उसको चढ़ाव चढ़ाएंगे, अचानक से नहीं, धीरे धीरे चढ़ाओ चढ़ाव, मतलब उसकी एक सीढ़ी बनाते जाएंगे, और बालक को धीरे धीरे मानते हुए चलेंगे, और बालक बड़ा इच्छुक हो गया, अब ये सब उत्तर बात तेजी से बताएंगे, क्योंकि उसे पता हो गया काम मैंने इतना शब्द जिसको समझ में आ गया, अभी आप देखेंगे पूरी परसेंटेज आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, और आप कहेंगे वास्तव में गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है, कारण क्या है, टीचर नहीं मिलते जो आसान कहवा दे, और हम प्रूव करवा देंगे गणित आसान है, आपसे करवाएंगे, जैसे अगर आप इतिहास के मामले में पढ़ते हैं तो अगर आपने पढ़ लिया इतिहास का पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 था, अब द्वितीय नहीं याद किए, परीक्षा में द्वितीय आ गया, तो अगर गणित में 3×4 पढ़े हैं, ठीक, अगर 7×5 आ गया था कर लेंगे, लेकिन वहां जो पढ़े अगर वो आया तो करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उससे आसान है, समझ में आया, उससे आसान हुआ, अगर वहां जो थर्ड चीजें याद है ठीक है, नहीं याद है तो
या कम चीजों से काम। एक बार फॉर्मूला याद है चाहे जितना अंक बदले आप कोई दिक्कत नहीं। वहाँ एक राजा को याद है और दूसरे राजा के युद्ध नहीं पढ़े तो गए, या उसी राजा के चारों युद्ध नहीं पढ़े तो गए। लेकिन इसलिए गणित आसान है, लेकिन हर चीज को आसान बनाने के लिए समझना, ठीक, मुंह से कह देने से आसान नहीं हो जाता। ठीक, आज के लिए इतना ही, आप लोग भी देख लीजिएगा और प्रयास करिएगा और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि जब पहला अध्याय शुरू करते हैं तो प्रयास करते हैं वीडियो पब्लिक हो जाए, तो आप लोग भी अगर ऑनलाइन क्लास अगर आप जुड़ना चाहते हैं, यदि आप किसी अन्य जनपद से हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़िए पढ़ना चाहते हैं दिव्य, आप खुद स्वयं से पढ़ सकते हैं, तो 6306344367 पर आप ज्वाइन सीक्रेट लिख के व्हाट्सएप करिएगा। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आएगा और सारी विधि बता दिएगा आपको कैसे जुड़ना है। ठीक, ये हमारा नंबर नहीं है, ये कैंपस का नंबर है, अब कैंपस से आपको, और अगर आप जुड़कर डेमो देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा और उसमें सर्च करिएगा दुर्गेश सर। ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरी काफ़ी फेक आइडिया बना दी, इसलिए आपको दुर्गेश सर बिना स्पेस का सर्च करना पड़ेगा, तभी हम आपको मिल पाएंगे। जैसे सर्च करेंगे आपको आएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, जैसे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कारण क्या है कि पीडीएफ आपको और कहीं उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के बाद से जैसे मैं ये सिलेबस खत्म करूंगा मैं आपको पढ़ाने का पैटर्न चेंज कर दूंगा। चेंज क्या करूंगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना मैं क्वेश्चन पढ़ाते हुए चला जा रहा हूँ, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ आपका समय बचे। अगली बार से मैं क्या करूंगा कि आपको सब कुछ मैंने पढ़ाया है, आपको चाहिए रिविजन क्योंकि परीक्षा तो 7 जुलाई को, अब तो मार्च में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, अब कहेंगे हम तो हमारा तो फिर सुने ली, तो अब क्या करेंगे आपको कराएंगे प्रैक्टिस, क्या करेंगे प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, आपको एक दिन पहले पीडीएफ दे देंगे पूरी टाइप करा के, ठीक, आप घर पे जाके सॉल्व करेंगे, ठीक, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जितना नहीं है अगले दिन हम एक तरफ से लगवाएंगे। फिर भी दिक्कत ही होती है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे कहते हैं तो चौथा मुझे आ रहा था सर मुझे पांचवा बताइए, कुछ लोग कहते सर नहीं मुझे आठवां बताइए, कुछ कहते सर पूरा आ रहा था लास्ट वाला नहीं आ रहा था। तो जिन अभ्यर्थियों को पूरा आता है और लास्ट वाला नहीं आता उनको सब बताइए, उनको बड़ा तकलीफ होती है आगे फंस गया इसे घर रहे होते। इसलिए मैं क्या करूंगा जितनी भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट जारी करूंगा उसकी वीडियोज बना दूंगा पूरा पूरा क्वेश्चन एक से लेके जितना रहेगा, आप उसे एक बार पूरा अपने आप से सॉल्व करिएगा। अब जहां जहां गलत होगा वो प्रश्न आप जाके उसमें देख लीजिएगा, इससे आपका समय बचेगा और एक साथ आप कई हजार प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। कारण क्या है, मैं आपको उस समय में ट्रिक नहीं पढ़ा रहा, उसका भी रीजन ये है सर आप ट्रिक तो नहीं बता रहे क्योंकि मैं आपको बेसिक गणित पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद जब ट्रिक पढ़ाऊंगा आपको एकदम आसान लगेगा और मजा आएगा लगाने में, ठीक, आप जिज्ञासु होंगे और एक साथ अगर पढ़ना चाहेंगे सिलेबस आपका लंबा हो जाएगा लेंदी हो जाएगा और आप कहेंगे सर ये छूटा है वो छूटा है ये छूटा है, इस तरह जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और मैं प्रश्नों की सीरीज शुरू किया हूँ अपने टेलीग्राम पे, और हाँ अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज मेरा चल रहा है, इसमें भी लोग काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ भी रहे लगातार, और जहाँ भी सर्च करिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश चाहे गूगल पे चाहे जहाँ सर्च करिएगा तो यही सर्च करिएगा, और लेकिन टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, जैसे सर्च करेंगे आपके सामने सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप वहाँ डेमो लेके देख सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ फाइल भी आपके लिए जरूरी है। और पीडीएफ फाइल का मतलब यह है कि मैं आपको नोट्स नहीं बनवाता ना नोट्स के लिए मैं आपका भी प्रेस करूँ, क्योंकि मैं नोट्स से विश्वास नहीं करता, उसके भी रीजन आप जान लीजिए मैं नोट्स से विश्वास क्यों नहीं करता। नोट्स से ज्ञान सीमित हो जाता है, सीमित का मतलब जैसे आपने मेरे पर्यावरण का नोट्स बना, जब भी परीक्षा देने जाएंगे हर अभ्यर्थी का अपने शिक्षक के प्रति एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास होता है कि उन्हीं के द्वारा नोट्स को पढ़ता है, ठीक, और जरूरी है व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट हो, मैं भी नहीं मैं तो भाई 0/2 मानता हूँ, ये आप नोट्स क्या करेंगे इसको बार बार पढ़ेंगे आप, ठीक, और जितनी बार रिविजन कर लो इसी किताब इसी नोट्स को पढ़ेंगे, हो सकता है क्वेश्चन एक आध इधर दे देगा तब कहीं नोट से क्वेश्चन में नहीं पूछता, इसलिए जब भी पढ़िए हर बार मेरी केवल मेरी लेक्चर सुनिए और रिविजन अलग अलग किताब से करिए, इस बार पढ़िए इस किताब से अगली बार इस राइटर किताब से, ये हर किताबों में हर बार कुछ नई चीज़ें मिलेंगी और रिविजन हो जाएंगी। रिविजन करने सबसे आसान तरीके किताबें बता बदल रिविजन करिए, वही रिविजन मत करिए, इससे क्या होगा आपको हमेशा सदैव नई चीज़ें मिलेंगी और आपके ज्ञान में क्या होगा वृद्धि होगी। और नोट्स तो आप मेरे साथ बनाते चलेगा, ये उद्देश्य मत रहेगा मैं अलग से आपको नोट्स दूंगा, क्यों, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वही आप लिखते हुए चलेगा तुरंत, ये आपके क्या होगा मैं आपके सर्वांगीण विकास चाह रहा हूँ, मैं नोट्स देख के आपका ज्ञान सीमित करना नहीं चाहता, इसलिए आप मुझसे बेहतर नोट्स बना सकते हैं क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है और आप भी हैं, बस अपने आप को पहचानिए, ठीक। तो आपको पहला काम क्या करना है कि साथ में ही नोट्स बनाते चलना है, नोट्स के लिए आप ज़्यादा इच्छुक ना रहिएगा। हाँ, जब परीक्षा नज़दीक आएगी मतलब 45 दिन 50 दिन रह जाएगी तब मैं यहाँ से नोट्स इशू करूँ, उसके पहले नहीं। कारण क्या है मैं आपको बता दूँ, मैं बेशक छोटे जनपद से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है जौनपुर जिला, और लेकिन उससे ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा कि इलाहाबाद के जितने बड़े कोचिंग संस्थान होंगे अगर वो भी, क्योंकि वो लोग भी मेरी वीडियो पूरा वॉच करते हैं, ठीक, तो वो सभी लोग सबसे पहले नोट्स का ऑर्डर मेरे वही लोग करते हैं और आपको जानकारी नहीं उन्होंने सीटेट का नोट्स ऑर्डर लगा दिया है, ठीक, और अभ्यर्थियों से फोन करवाते हैं, लेकिन आजकल ट्रू कॉलर है आप लोग जानते होंगे, तो
तो ट्रू कॉलर वालों से पता जाता है तुरंत, कौन से फेसबुक पर आएगा तुम बता देगा किस नाम से इसकी आईडी बनी हुई है। तो ये लेकिन ये नहीं बताऊंगा किन किन कोचिंग वाले हैं। तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनको आप बड़ा हम दर्जा देते, हम भी देते थे, लेकिन वो लोग अब हमसे नोट्स के लिए इच्छुक हैं, तो मैं ये चाहता हूं उन्हें नोट्स दूं, लेकिन एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब, इसलिए तब तक आप लोग पढ़ लीजिए एनसीईआरटी का दोहरा लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट की जो बेसिक है वो एनसीईआरटी, बिना एनसीईआरटी पढ़ने से आप 120 प्लस नहीं कर सकते। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा और मेरी गारंटी है आप 100% सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, और नहीं होइएगा फिर आप कहिएगा। और हाँ, ये परिवर्तन मैं आपको 30 दिन में दिखा दूंगा, आप 30 दिन मेरी क्लासेस करिए और 31वें दिन और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, अगर 90 से कम जा रहा है फिर आके हमसे मिलेगा, सर आप तो गलत बता रहे थे, 90 से कम जाएगा तब, 90 से कम की बात कर रहा हूँ, 30 दिन क्लासेस लेनी रेगुलर, 30 दिन जिस दिन हो जाए 31वें दिन आप पेपर सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर, अगर 90 से कम जा रहा है फिर आप कहिए सर आप तो गलत बता रहे थे, ठीक, क्योंकि पढ़ाए हुए किसी का फैक्ट नहीं किसी परीक्षा में आता, और कोई किताब नहीं मार्केट में ऐसी जो क्या दे सीटेट के प्रॉपस पे हो, परपस पे पूरा हो। बस एक बार आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और 30 दिन मेरी क्लासेस कर लीजिए, उसके 31वें दिन आप प्रीवियस ईयर के 2011 से लेकर 2016 फिर 2018 का पेपर लेके बैठ जाइए और पेपर सॉल्व करना शुरू करिए, अगर 90 से कम आ जाए तब आप कहिएगा सर आपने तो जो पढ़ाया वो तो फंसता ही नहीं एक को। माने ये नहीं रखता कि आप पढ़ाते कितना बेहतर, माने ये रखता है यदि आप जो पढ़ाएं उसका परिणाम बेहतर हो तो आप बेहतर पढ़ाते हो, अन्यथा आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। मेरे पास ज्ञान की भरा परंपार, पता चला मैं यूपीएससी मेंस लिखा हूँ, यूपीएससी का मेंस इंटरव्यू पीटी लिखा हूँ, जीएस मेरा बहुत स्ट्रांग होगा, उसका क्या मतलब है उसका इस्तेमाल आप ना करता है। तो बेहतर टीचर का मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, बेहतर टीचर का मतलब ये होता है कि जो वह जाने उतना आपको बताए, आप बेहतर स्कोर करें। मैं डंका नहीं बजाता बहुत ज्यादा, मेरे यहाँ सीटेट कोई फेल नहीं हुआ है, जितने जिस व्यक्ति ने रेगुलर क्लास किया है रिकॉर्ड 2018 सीटेट कोई फेल नहीं हुआ, जबकि पूरे भारत का रिजल्ट है 9%, मेरे यहाँ तब हो गया 100%। लेकिन यह अब तब आप भी करिए और आप लोगों को बताइएगा हाँ मैं पास हूँ, और आप भी अगर कहोगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने रेगुलर क्लास लिया, ऐसा नहीं कि आज लिए 4 दिन बाद फिर गया 5 दिन बाद फिर गया, जिसने भी रेगुलर लिया है ये रिकॉर्ड है। आप जिस जनपद क्यों कोई ना कोई कभी कोई साथी मिलेगा, एक बार जरूर पूछेगा कि आप स्मार्ट कोचिंग से ई लर्निंग में दुर्गे से पढ़े थे सीटेट पास हैं या नहीं, और आपको सीधा जवाब देगा हाँ मैं पास हूँ। कारण क्या है कि मैंने सीटेट प्रॉपर सीटेट की बेस से पढ़ाया, और शायद आपको अश्योर होगी यूट्यूब पे उठा लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से कई 1000 वीडियोज होंगी सीटेट की, और कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा तो सीटेट के पैटर्न में पढ़ाता होगा पूरा सिलेबस, इक्का दुक्का नहीं, दो चार टॉपिक कोई आजकल तो बड़ा ट्रेंड चढ़ा है कोई देख के किसी को पढ़ा रहे हैं ठीक, लेकिन कोई नहीं पूरा सिलेबस देखिएगा। मेरे यहाँ गणित आपने पढ़ाई है, पर्यावरण मुझसे पढ़ाई, दूसरे मैं पढ़ाता हूँ, और ज्योति मैम के बारे में आप तो जानते ही हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसी महिला टीचर पूरे प्रदेश में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में महिला टीचर की बात करो, पुरुष की भी बात मैंने नहीं किया, उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अच्छे टीचर यूट्यूबर यूट्यूब पर अगर होंगे उठा के खंगाल डालिएगा महिला टीचर, और हो सकता है आप उनको पुरुष के बाद भी फर्स्ट नंबर दे दें, आप पूरा देख लीजिए खंगाल लीजिएगा ठीक। हमें सर गणित आपने देख लिया, और सबसे बड़ी बात यहाँ के टीचर उम्र बेशक कम है ये बात तो देखने मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है कोई किताब से नहीं पढ़ाता, क्योंकि यह आप भी मुझसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, अगर बीटीसी बीएड करके है तो कई किताबें आप पढ़ रहे होंगे 8-8 विषय, तो कोई भी अध्यापक इसे देख के छपवा सकता है, ऐसा छपवाने से ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। और बहुत सारे हमने देखा बहुत सारे अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि मैं क्लास में आऊँ और केवल लिखवाऊँ, उनको उससे संतुष्टि मिलेगी, कहते हैं सर लेक्चर ना दिया, क्योंकि लेक्चर में देखिए यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ जितनी बार देखेंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो चलचित्र को जल्दी याद करता है, किसको याद करता है चलचित्र को जल्दी याद करता है ठीक, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं पूरे मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाते हैं, और क्लास के बीच बीच में हम कुछ ऐसा एक्टिविटी करते रहते हैं ताकि आपका ध्यान यहाँ रहे और ज्ञान यहाँ जाए, यहाँ से निकलने ना पाए, इसका हम पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। और कुछ लोग को लगता होगा ये पढ़ाता कैसा है, इसका लैंग्वेज कैसा है, ये एक अध्यापक है कि नहीं, अध्यापक जरा बोलना चाहिए, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या आपको पास करवाना, बस आपको सिलेक्शन दिलाना, आपको नौकरी दिलाना, बस उसके बाद चाहे जो बोले कर या लीजिए भैया आपकी इच्छा, क्योंकि आपको भगवान ने जुबान दी है, आप भी आर्टिकल 19 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं भी आर्टिकल 66A का IPC 66A का भी मैं भी प्रयोग कर सकता हूँ, कारण आप मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते ठीक, लेकिन फिर भी आप स्वतंत्र हैं, ये आपके मानसिकता को और ये आपको ज्ञान को दर्शाते हैं कि आपकी परवरिश किस पर्यावरण में किस माता पिता से हुई है ठीक। वैसा अच्छे काम करते तो भी माता पिता, बुरे काम करते तो भी माता पिता, और कुछ नहीं करते लड़का निकल रहा है ठीक। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।